असलम स्टूडेंट्स जहाँ सोशल एंटरप्रेन्योर को बाकी चीज़ों के हवाले से स्ट्रेटेजिक होने की ज़रूरत है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक स्टेप टीम के हवाले से और ऑपरेशनल प्लान के हवाले से भी है अब मैनेजमेंट टीम के हवाले से स्ट्रेटेजिक होने से क्या मुराद है कोर्स सोशल एंटरप्रेन्योर्स सोशल कैपिटल के सर पर ही तो चल रहे हैं वॉल्टियर्स हैं दोस्त हैं जो मिशन को शेयर करते हैं दूसरे स्टेक होल्डर्स आपका जो सपोर्ट नेटवर्क है वो लोग हैं तो ऐसे में मैनेजमेंट टीम जो है आपके वेंचर की उसके बारे में स्ट्रेटेजिक होने से मुराद ये है कुछ चीज़ें हम कंसिडर करते हैं एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर कि मेरे पास जो टीम अवेलेबल है उसके पास क्या उसका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी है उसकी नॉलेज उसकी क्वालिफिकेशंस, उसकी बैकग्राउंड, उसके पास क्या स्किल्स हैं क्या एक स्ट्रेंथ्स जो उस टीम की हैं वो क्या है? स्पेशली टू द मिशन या टू द कॉज जिसके लिए वो काम करने का आपके साथ सोच रहे हैं जो हायर्ड टीम होती है जो हायर्ड मैनेजमेंट होती है वहाँ तो आप सोशल कुड बी लेस स्ट्रेटेजिक ऑफ कोर्स उसने पे करना है और वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट को हायर करेगा मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर द जॉब लेकिन जब वॉल्टियर्स के साथ या सपोर्ट नेटवर्क्स के साथ काम हो रहा हो तो ये स्ट्रेटजिक प्लानिंग ज़रूरी है कि क्या मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास ऐसी स्किल्स ऐसा नॉलेज ऐसी एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं जो इस सोशल कॉज को अचीव करने में माउन साबित होंगे लोगों को जमा कर लेना कोई कमाल नहीं है एक शख्स जिसकी एक अच्छी सोच है जो एक अच्छे कॉज को ले चल रहा है वो लोगों को जमा कर सकता है या कर सकती है देखना ये है कि उन लोगों के पास क्या है क्या एक्सपर्टीज क्या क्वालिफिकेशन जो उस कॉज को अचीव करने में उसको हेल्प करे ये चीज़ें जो हैं वो सोशल एंटरप्रेन्योर को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कंसिडर करने की ज़रूरत है साथ ही साथ ये देखने की भी ज़रूरत है कि जो उसकी टीम है उसका उसके मिशन और विजन के साथ क्या कनेक्शन है कुछ लोग ऑफ कोर्स सिर्फ सैलरी के लिए वेज के लिए काम करने के लिए आए हैं एंड दैट इज़ ओके जब लोग सैलरी के लिए काम करते हैं तो वो अपनी पूरी कमिटमेंट एथिकल उसके साथ जो इंटेग्रिटी है उसके साथ काम करते हैं जितना वक्त वो काम करते हैं लेकिन फिर भी जो सोशल कॉजेज हैं ये कॉम्प्लेक्स होती हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें अप्स एंड डाउनस आते हैं उसमें अनएंटिसिपेटेड, अनइंटेंडेड चीज़ें होती हैं तो कोई शख्स जिसकी कमिटमेंट होगी ऐसी टीम जिसका एक पर्सनल एसोसिएशन या एक पर्सनल कमिटमेंट है कॉज की तरफ प्रोबेबली वही लोग टीम पर रहेंगे और वही साथ चलेंगे ऐसा भी मुमकिन है कि लोग आपके मिशन की अपील से मुतासर होकर आपके साथ आए अपने आप को वॉल्टियर करें लेकिन जब पहला ही प्रॉब्लम आए मिशन को अकम्पलिश करने के हवाले से पहली नाकामी का सामना करना पड़े तो उनकी कमिटमेंट ना रहे सो सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए एक ऑनेस्ट सोल सर्चिंग ये एक आप किसको कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक से ज़्यादा कि ये जो लोग मेरे साथ हैं इनके क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है नीड्स या प्रॉब्लम्स के हवाले से जिनको हम एड्रेस करने की बात कर रहे हैं इनकी क्या एसोसिएशन है मेरे विजन के साथ इनकी शेयरिंग क्या है क्या ये उस विज़न को एनविजन कर सकते हैं उसको अपना समझते और उसको एडॉप्ट करते और उसको अपने अंदर समा सकते हैं अगर हाँ तो फिर तो वो एक रिसोर्स हैं फिर तो वो उसका सोशल कैपिटल है अगर नहीं तो फिर लोगों को जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है फिर उसको हायरिंग जो है उसको फोकस करना पड़ेगा इसी तरह ओवर टाइम सोशल एंट्रपनील एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें स्किल्स चेंज होती हैं तो सोशल एंटरप्रेन्योर जो है उसको ये सोचने की ज़रूरत है उसको एनालिसिस करना है क्या जो उसकी मौजूदा टीम है और उसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं कल को जब वेंचर एक्सपेंड होगा अप स्केल अप होगा काम बढ़ेगा सबसेस ज़्यादा होंगी या रिफ़ाइंड होंगी या प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या ये टीम अपनी मौजूदा कैपेबिलिटी अपनी मौजूदा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के साथ उस डिमांड को उस नीड को कोप कर सकेगी जो नेक्स्ट लेवल है जो एक्सपेंशन है क्या ये उसको हैंडल कर सकेंगे ये सवाल बेहद अहम है बहुत सारे सोशल वेंचर्स हमने पिछले किसी मॉड्यूल में बात की थी कि 40 परसेंट से ज़्यादा सोशल वेंचर्स जो हैं वो अर्ली ईयर्स के बाद ख़त्म हो जाते हैं उसकी एक वजह ये भी होती है कि जब छोटे पैमाने पर लोग काम करते हैं क्लोज़ फ़ेस टू फेस रिलेशनशिप होता है एक कंफर्ट जोन होता है दोस्तों साथियों आपस में मिलने जुलने वालों का काम करने का उस वक्त कमिटमेंट लेवल उस वक्त जो है काम करने का तरीका कार वो फ़र्क होता है लेकिन जब एक चीज़ एक्सपेंड कर गई मुख्तफ़ शहरों में मुख्तफ लोकेशनस पर मुख्तफ कम्यूनिटीज़ के साथ आपकी प्रोडक्ट रिफ़ाइन हो गई या उसकी डिमांड इनक्रीज़ हो गई तो कुछ लोग जो हैं वो उसके साथ कोप नहीं कर सकते आ, फॉर मैनी रीजनस जिसमें लैक ऑफ ट्रेनिंग हो सकती है जिसमें कैपेबिलिटी की कमी हो सकती है जिसमें आपका जो ओरिएंटेशन है प्रॉब्लम के हवाले से और स्केल के हवाले से वो फर्क है कुछ लोग माइक्रो लेवल पर बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन मैक्रो लेवल पर नहीं कुछ लोग जो हैं वो बॉन लीडर्स होते हैं मैक्रो लेवल पर बड़े पैमाने पर उनकी सलाहियतें ज़्यादा बेहतर तौर पर सामने आती हैं स्ट्रेटिजिकली प्लानिंग करते हुए सोशल एंटरप्रेन्योर को अपनी टीम अपनी मैनेजमेंट के हवाले से इन चीज़ों को कंसिडर करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ क्योंकि टीम को कुछ टास्क परफॉर्म्स करना होते हैं कुछ ऑपरेशनस कैरी आउट करना होते हैं तो जो ऑपरेशनल प्लान है वो भी साथ साथ उसके इसी स्टेज पर कंसिडर किया जाता है ऑपरेशनल प्लान जो है उसको दो लेवल्स पर देखने की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म डे टू डे बेसिस पर कस्टमर सर्विस या बेनिफिशरीज़ को सर्व करना जो है एक वो ऑपरेशन हैं अगर आप एल्डरली केयर की एक्टिविटी कर रहे हैं तो डेली बेसिस पर किसी बूढ़े को जो ज़रूरियात हैं उसकी उसको पूरा करने के लिए टीम में जो लोग मौजूद हैं वो किस तरह काम करते हैं उसके लिए उन्हें क्या स्किल्स चाहिए उनकी एक्टिविटीज़ को वो अपने किस तरह असाइन किया है उसमें टाइम एलोकेशन रिसोर्स एलोकेशन किया है दैट्स वन थिंग और लॉन्ग टर्म में ख़ास तौर पर स्केल अप होने के साथ जो आप इम्पेक्ट चाहते हैं जो आप वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं उसके हवाले से ऑपरेशनल प्लान या तो साथ साथ इवॉल्व होता है या अगर पहले से मौजूद हो तो उसको अडेप्ट एडजस्ट करना पड़ता है तो सोशल एंटरप्रेन्योर को स्ट्रेटजिक प्लानिंग की स्टेज पर अपना शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ और ऑपरेशंस और उसके लिए जो महारतें टीम में हैं उसको भी कंसिडर करना है और जो लॉन्ग टर्म में उसको स्केल अप होने के साथ साथ एक्सपेंशन के साथ साथ जो उसके ऑपरेशन होंगे उसके लिए जिस किस्म की स्किल्स जिस किस्म की टीम की ज़रूरत है उसे भी इसी स्टेज पर कंसिडर करना है इसके बगैर उसकी प्लानिंग जो है शायद उतनी इफेक्टिव ना हो जितनी वो अपने मिशन के हवाले से पैशनेट थैंक यू